सोनाक्षी सिन्हा ने अपने भाई लव सिन्हा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सोनाक्षी अपने ससुर और जहीर इकबाल के पिता के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती हैं और उन्होंने अपने भाई लव को लताड़ लगा दिया है। पिछले दिनों लव ने सोनाक्षी के ससुर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो कभी भी सोनाक्षी के ससुराल वालों से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। लव पहले से ही सोनाक्षी और जहीर की शादी के खिलाफ थे और वो किसी भी फंक्शन में शामिल नहीं हुए। सोनाक्षी की शादी के बाद लव कई बार जहीर और उनकी फैमिली पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब ये पानी सोनाक्षी की हद से गुजर गया और उन्होंने अब एक क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए लव को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सोनाक्षी ने अपनी पोस्ट में लिखा है चीजें जो उन्हें स्कूल में सीखनी चाहिए। दूसरी पोस्ट में सोनाक्षी ने लिखा है कैसे अपनी आवाज़ धीमी या फिर मुंह बंद रखना चाहिए, सीने बगैर या फिर एयरप्लेन में। ये तो सोनाक्षी लव से कह रही हैं या तो अपनी आवाज़ बंद रखो या उसे धीमा रखो, क्योंकि उनके भाई लव लगातार उन्हें या उनके ससुराल वालों को लेकर बोल रहे हैं। इसके अलावा सोनाक्षी ने एक और लाइन शेयर की है जिसमें लिखा है कि आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए तब आपको जब वो नहीं मिलता जिसे आप चाहते हैं। यहाँ भी सोनाक्षी का इशारा अपने भाई लव की तरफ है, क्योंकि लव नहीं चाहते थे कि सोनाक्षी और जहीर की शादी हो, लेकिन उन्होंने जिद में आकर शादी की। और सोनाक्षी कह रही हैं कि आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला तो ढंग से पेश आओ। कुछ और बातें भी आगे सोनाक्षी ने लिखी हैं, आपसे अलग विचार वाले भी लोग होते हैं और युवाओं को ज़्यादा शहशु होना चाहिए। सोनाक्षी अपने भाई को टारगेट करते हुए कह रही हैं कि तुम्हारे मेरे विचार अलग हैं, लेकिन तुम यंग हो तो तुम्हें सहना आना चाहिए। एक और स्टोरी में सोनाक्षी ने लिखा है जियो और जीने दो। पिछले दिनों लव सिन्हा ने सोनाक्षी के ससुर पर हमला बोला था। लव सिन्हा ने एक ट्वीट में लिखा था कि पीआर के जरिए सोनाक्षी के ससुराल वालों के लिए अच्छी कहानियां तैयार कराई गई, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि दूल्हे के पिता के एक नेता से संबंध हैं और ये नेता ईडी की रडार पर है। लेकिन हाल ही में इस नेता की करतूतों को वॉशिंग मशीन में धोया गया। लव ने यह भी लिखा कि दूल्हे के पिता दुबई में रहते हैं, इस बात को नहीं बताया गया और ये भी छिपाया गया दुबई में उनके बिजनेस को अचानक बंद कर दिया गया और तब एक बड़े सुपरस्टार ने दूल्हे के पिता की मदद की जिसके दुबई में बड़े ताल्लुकात थे। इसके साथ ही लव ने एक ट्वीट में साफ किया कि मेरी शादी अटेंड करने की नावजह बेहद साफ है, मैं कुछ लोगों से कभी नहीं जुड़ सकता चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल अब सोनाक्षी और लव इस मामले में आमने सामने आ गए हैं। सो दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सेलेब्रिटी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई मजीद वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।